दोस्तों, अगर आपका बजट 15,000 है तो ऐसे में आपको बहुत सारे फोन देखने को मिल जाते हैं। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपके लिए कुछ नए तो कुछ पुराने फोन लेकर आया हूं, जिसमें आपको 5G और 4G दोनों देखने को मिलता है। साथ ही सही फोन में आपको परफॉर्मेंस, बैटरी, डिस्प्ले, कैमरा अच्छा देखने को मिलने वाला है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, और वीडियो हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों। साथ ही चैनल में अगर आप हमारे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, क्योंकि मैं इसी तरह का वीडियो आपके लिए रेगुलर लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Realme Narzo 30 जो आपको 13,500 के अंदर देखने को मिल जाता है। MediaTek Helio G95 का प्रोसेसर देखने को मिलता है। गेमिंग वगैरह आप आसानी से फोन में कर पाएंगे। LPDDR4+ का रैम देखने को मिलता है। 4GB रैम और 64GB इंटरनल देखने को मिल जाता है दोस्तों। साथ ही डिस्प्ले में आपको 6.5 इंच का फुल HD+ IPS LCD पैनल देखने को मिलता है, जिसमें आपको 90Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाएगा दोस्तों। साथ ही इसमें आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप रियर में देखने को मिलता है, इसमें आपको 48MP का प्राइमरी कैमरा रहने वाला है। साथ ही इसमें आपको 16MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। बैटरी के बारे में बात करते हैं, इसमें आपको 5000mAh की बड़ी सी बैटरी और 30W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिलता है दोस्तों। साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएगा, और एंड्रॉइड 11 के साथ रियलमी UI भी देखने को मिलता है। इस फोन में आपको अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा दोस्तों। बैटरी कैमरा अच्छा देखने को मिलता है, ओवरऑल अच्छा फोन रहने वाला दोस्तों। अगर आप एक पुराना फोन लेना चाहते हैं जो कि अच्छा परफॉर्मेंस के साथ कैमरा अच्छा दे और डिस्प्ले अच्छा दे, तो इसके साथ आप जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट फोन के बारे में। दोस्तों, अगर आप Realme Narzo 30 नहीं लेना चाहते हैं और ये 4G फोन के कारण, तो आप 5G फोन ले सकते हैं। Realme Narzo 30 5G जो दोस्तों आपको 15,000 के अंदर देखने को मिल जाता है, और इसमें दोस्तों आपको MediaTek Dimensity 700 देखने को मिलता है प्रोसेसर में, और इसमें आपको दोस्तों 4GB रैम और 64GB इंटरनल देखने को मिलता है। 6.5 इंच का फुल HD+ IPS LCD पैनल देखने को मिलता है, जिसमें आपको 90Hz का रिफ्रेश रेट भी देखने को मिल जाता है। ट्रिपल कैमरा सेटअप इस फोन में भी आपको देखने को मिल जाएगा। रियर में इसमें आपको 48MP का प्राइमरी कैमरा देखने को मिलता है। सेल्फी में आपको 16MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है। बैटरी के बारे में बात करते हैं, इसमें आपको 5000mAh की बड़ी सी बैटरी देखने को मिलती है और 18W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिल जाता है। साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर आपको इस फोन में भी देखने को मिलता है। एंड्रॉइड 11 के साथ आपको रियलमी UI भी देखने को मिलता है। ओवरऑल बात करें तो अगर आप 15,000 के अंदर एक 5G फोन चाहते हैं तो इसके साथ जा सकते हैं दोस्तों। कैमरा, डिस्प्ले सब कुछ आपको अच्छा देखने को मिलेगा। परफॉर्मेंस भी आपको 4G के मुकाबले 5G प्रोसेसर है तो अच्छा परफॉर्मेंस इसमें भी आपको देखने को मिल जाता है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट फोन के बारे में। दोस्तों, अगर आप नॉन चार्जिंग फोन देखना चाहते हैं 15,000 के अंदर में, तो आपको नॉन चार्जिंग फोन में सैमसंग गैलेक्सी M32 देखने को मिलता है, जो कि दोस्तों आपको 4G फोन देखने को मिलता है 15,000 के अंदर देखने को मिल जाता है। साथ ही 4GB रैम और 64GB इंटरनल देखने को मिलता है। MediaTek Helio G80 देखने को मिलता है प्रोसेसर में। तो गेमिंग अगर आप डिसेंट लेवल का कर पाएंगे, अगर आप सिर्फ और सिर्फ गेमिंग के लिए फोन लेना चाहते हैं 15,000 के अंदर, तो इस फोन के साथ मत जाइएगा। साथ ही आपको 6.4 इंच का फुल HD+ सुपर एमोलेड देखने को मिलता है डिस्प्ले में, और 90Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा। साथ ही गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन भी देखने को मिल जाता है, तो डिस्प्ले आपको इसमें बढ़िया देखने को मिलता है दोस्तों। कैमरा के बारे में बात करते हैं, इसमें आपको 64MP का क्वाड कैमरा सेटअप रियर में देखने को मिलता है। 20MP का आपको सेल्फी कैमरा फ्रंट में देखने को मिलता है वाइड एंगल लेंस के साथ, तो डिस्प्ले भी आपको अच्छा देखने को मिलता है। साथ ही कैमरा भी अच्छा देखने को मिलता है, और बैटरी भी आपको इसमें 6000mAh की बड़ी सी बैटरी देखने को मिलती है 15W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ। साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर आपको इस फोन में देखने को मिलता है। सैमसंग वन UI देखने को मिल जाएगा एंड्रॉइड 11 के साथ, तो अच्छा खासा फोन रहने वाला दोस्तों। डेली टू डेली टास्क के लिए अच्छा खासा परफॉर्मेंस देने वाला है फोन में, और कैमरा भी आपको अच्छा देखने को मिल जाता है, तो आप इसके साथ भी जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट फोन के बारे में। Redmi 10 Prime जो दोस्तों आपको 12,500 के अंदर देखने को मिलता है 4GB रैम और 64GB इंटरनल के साथ। MediaTek Helio G88 देखने को मिलता है प्रोसेसर में, तो गेमिंग वगैरह आप आसानी से कर पाएंगे दोस्तों। साथ ही इसमें आपको 6.5 इंच का फुल HD+ IPS LCD पैनल देखने को मिलता है। 90Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा। Gorilla Glass 3 का प्रोटेक्शन भी देखने को मिल जाता है, तो डिस्प्ले आपको अच्छा देखने को मिलता है। साथ ही परफॉर्मेंस भी अच्छा देखने को मिलता है, और कैमरा आपको 50MP का क्वाड कैमरा सेटअप रियर में देखने को मिलता है, और 8MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। बैटरी भी आपको 6000mAh की बड़ी सी बैटरी देखने को मिलती है इस फोन में, और 18W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिलता है। साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर आप इस फोन में देख पाएंगे दोस्तों। साथ ही एंड्रॉइड 11 के साथ MIUI देखने को मिल जाता है, तो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस भी आपको बढ़िया देखने को मिल जाएगा। ओवरऑल बात करें तो 12,500 में एक अच्छा फोन आपको देखने को मिल जाता है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट फोन के बारे में। Infinix Note 11s जो दोस्तों आपको लेटेस्ट फोन देखने को मिल जाता है 13,999 रुपया में, 6GB रैम और 64GB इंटरनल के साथ। 6.95 इंच का फुल HD+ IPS LCD पैनल देखने को मिलता है। 120Hz का रिफ्रेश रेट आपको देखने को मिलता है डिस्प्ले में, तो डिस्प्ले आपको अच्छा खासा देखने को मिलता है। परफॉर्मेंस आपको MediaTek Helio G96 देखने को मिलता है, तो गेमिंग वगैरह आप आसानी से इस फोन में कर पाएंगे। कैमरा आपको अच्छा देखने को मिल जाता है दोस्तों। ट्रिपल कैमरा सेटअप रियर में देखने को मिलता है, इसमें आपको 50MP का प्राइमरी कैमरा देखने को मिलता है। 16MP का सेल्फी कैमरा फ्रंट में देखने को मिल जाता है, और बैटरी आपको इसमें आपको 5000mAh की बैटरी देखने को मिलती है। 33W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिल जाता है। एंड्रॉइड 11 के साथ XOS देखने को मिलता है। सॉफ्टवेयर में तो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस भी आपको बढ़िया देखने को मिलता है। साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर आपको देखने को मिलता है। अगर आप दोस्तों एक गेमिंग फोन चाहते हैं इस रेंज में, कैमरा, डिस्प्ले और बैटरी के साथ जाना चाहते हैं, तो इस फोन के साथ जा सकते हैं। अच्छा परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल जाएगा इस फोन में। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट फोन के बारे में। Realme 8i जो दोस्तों आपको
15000 के अंदर देखने को मिलता है। 4GB रैम और 64GB इंटरनल के साथ 13999 रुपये इसका प्राइस है दोस्तों। साथ ही 6.66 का फुल एचडी प्लस आईपीएस एलसीडी पैनल देखने को मिलता है। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है डिस्प्ले में। साथ ही मीडियाटेक हेलियोस Z96 देखने को मिलता है। तो गेमिंग वगैरह आप इसमें आसानी से कर पाएंगे। प्रोसेसर आपको दमदार देखने को मिल जाता है। कैमरा के बारे में बात करते हैं, इसमें आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप रियर में देखने को मिलता है। 50MP का प्राइमरी कैमरा देखने को मिलता है। सेल्फी के लिए आपको 16MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। 5000mAh की बड़ी सी बैटरी देखने को मिलती है इस फोन में। साथ ही 18W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। सारे दोस्तों बात करते हैं इसके सॉफ्टवेयर के बारे में, तो एंड्रॉइड 11 देखने को मिलता है और रियलमी UI देखने को मिल जाता है। साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर आपको इस फोन में देखने को मिलने वाला है। रियलमी की तरफ से दोस्तों अगर आप एक गेमिंग फोन चाहते हैं 15000 के अंदर, तो इस फोन के साथ भी आप जा सकते हैं। मोटो Z31 जो दोस्तों आपको लेटेस्ट फोन देखने को मिलता है मोटोरोला की तरफ से 12999 रुपया में। 4GB रैम और 64GB इंटरनल देखने को मिल जाएगा। मीडियाटेक हेलियो Z85 देखने को मिलता है प्रोसेसर में। तो गेमिंग वगैरह आप आसानी से फोन में कर पाएंगे। साथ ही 6.4 इंच का फुल एचडी प्लस एमोलेड पैनल देखने को मिलता है। इसमें आपको 60Hz का रिफ्रेश रेट भी देखने को मिल जाता है। साथ ही कैमरा के बारे में बात करते हैं, इसमें आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप रियर में देखने को मिलता है। 50MP का प्राइमरी कैमरा रहने वाला है दोस्तों। साथ ही आपको 13MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। 5000mAh की बड़ी सी बैटरी देखने को मिलती है और 18W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट की जगह आपको 20W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट इस फोन में देखने को मिल जाएगा। साथ ही एंड्रॉइड 11 होगा जो कि दोस्तों आपको स्टॉक एंड्रॉइड देखने को मिलता है। तो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस भी आपको बढ़िया देखने को मिलता है इस फोन में। साथ ही इसमें आपको साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है। तो अच्छा फोन रहने वाला दोस्तों, अगर आपका बजट 13000 है और आप एक स्मार्टफोन लेना चाहते हैं तो आप इस फोन के साथ जा सकते हैं। कैमरा, डिस्प्ले और परफॉर्मेंस, बैटरी सब कुछ इसमें आपको बढ़िया देखने को मिल जाता है। सारे दोस्तों बात करते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट फोन के बारे में। चलिए दोस्तों बात करते हैं मोटोरोला Z51 के बारे में, जो कि दोस्तों आपको 5G फोन देखने को मिलता है। 14999 रुपये में आपको ये फोन देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको 4GB रैम 64GB इंटरनल देखने को मिलता है। इसमें आपको दोस्तों क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 480 प्लस देखने को मिलता है प्रोसेसर में। तो गेमिंग वगैरह आप आसानी से कर पाएंगे। लेटेस्ट चिपसेट है दोस्तों। साथ ही इसमें आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप रियर में देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको 50MP का प्राइमरी कैमरा देखने को मिलता है। 13MP का सेल्फी कैमरा आपको फ्रंट में देखने को मिल जाएगा। साथ ही 6.8 इंच का फुल एचडी प्लस आईपीएस एलसीडी पैनल देखने को मिलता है। इसमें आपको 120Hz का रिफ्रेश रेट भी देखने को मिलता है। 5000mAh की बड़ी सी बैटरी देखने को मिलती है इस फोन में। साथ ही 20W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिल जाता है। एंड्रॉइड 11 के साथ आपको स्टॉक एंड्रॉइड देखने को मिलता है, जो कि दोस्तों आपको एक अच्छा सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करवाता है। साथ ही आपको साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर आपको देखने को मिल जाता है इस फोन में। ओवरऑल बात करें दोस्तों, अगर आप 5G फोन लेना चाहते हैं इस रेंज में, तो आप इसके साथ जा सकते हैं। अदरवाइज आपने बहुत सारा फोन देखा, आपको कौन सा फोन ज़्यादा पसंद आया वो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर हेल्पफुल लगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। बाकी कौन सा फोन आपको ज़्यादा बेटर लगा आज के लिस्ट में, वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप हमारे चैनल के दूसरे वीडियोज़ को जरूर देखिएगा, साथ ही चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।